हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई स्टडी। ICAR इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च की ओर से एक रिक्रूटमेंट निकाली गई थी, जिसका जो री एग्ज़ाम हुआ था आप लोगों का, ये एग्ज़ाम था आप लोगों का टेक्नीशियन की पोस्ट के लिए। ये एग्ज़ाम 7, 8 और 10 जुलाई को टोटल 8 शिफ्टों में कंडक्ट करवाया गया था, और आज 6 अगस्त हो चुकी है और आप लोग वेट कर रहे थे कि इसका रिज़ल्ट कब तक आएगा। ऑलमोस्ट 1 मंथ कंप्लीट हो चुका है, लेकिन ICAR की ओर से आप लोग के जो रिज़ल्ट के रिगार्डिंग कोई भी अपडेट नहीं दी जा रही है। और मैंने आप लोगों को बता रखा ऑलरेडी कि आपका जो रिज़ल्ट है अगस्त के एंड में या फिर आप लोगों का सितंबर के फर्स्ट वीक तक आपका जो रिज़ल्ट है वो जारी कर दिया जाएगा। अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि रिज़ल्ट के बाद इसमें कौन कौन सी प्रोसेस होने होंगी ज्वाइनिंग तक। तो रिज़ल्ट के बाद क्या होगा, जितनी वैकेंसी है ऑलमोस्ट उसका 3.5 गुना के आसपास, लगभग मान करके चलिए आप लोग 2500, लास्ट टाइम इन्होंने 2634 कैंडिडेट को पास किया था टायर वन में, तो 2634 कैंडिडेट थे, तो इतने कैंडिडेट को टायर वन में पास करेंगे। इसमें टायर टू तो नहीं होगा, अभी तक कोई अपडेट नहीं है, अगर कोई अपडेट होती तो मिल जाती। बाकी मैंने जो RTI फाइल कर रखी है कि टायर टू होगा या नहीं होगा, उसको भी 1 महीना होने को आ रहा है, उसका भी जो रिप्लाई है 10-15 दिन में आ जाएगा कि आप लोगों का टायर टू होगा या नहीं होगा। उसका रिप्लाई जैसे आएगा मैं आप लोगों को बता दूंगा। तो अभी क्या होगा, इसमें रिज़ल्ट आएगा, रिज़ल्ट के बाद टायर टू नहीं होगा तो उसके बाद क्या होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कितने कैंडिडेट का होगा, तो जितनी 2634 को तो ये पास करेंगे, लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मान करके चलिए 1200 के आसपास होगा, 1200 या 1300 कैंडिडेट का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंडक्ट करवाया जाएगा। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद क्या होगा, जो ये 1200 कैंडिडेट है इनको क्या होगा, जो भी ICAR के इंस्टीट्यूट हैं उनके लिए काउंसलिंग होगी। क्या होगी, काउंसलिंग होगी। कितने इंस्टीट्यूट हैं, काउंसलिंग इंस्टीट्यूट आप लोगों के 64 है ऑल इंडिया में, तो 64 इंस्टीट्यूट है। आपको चॉइस भरनी होगी कि आप, आपके अकॉर्डिंग आपके मार्क्स हैं तो सारे वो आपको भरवा देंगे, आप लोग भर लीजिएगा। ऑनलाइन ये काउंसलिंग होगी, कैसे होगी, ऑनलाइन होगी। तो काउंसलिंग होने के बाद क्या होगा, जो भी आप लोग 64 इंस्टीट्यूट भरेंगे डिपेंडिंग ऑन योर मार्क्स, आपको एक इंस्टीट्यूट अलोकेट हो जाएगा, इंस्टीट्यूट अलोकेट हो जाएगा। अब सारे प्रोसेस इसके बाद कहाँ, वो यहाँ पर स्टार्ट होंगे आप लोगों के इंस्टीट्यूट से। इंस्टीट्यूट में क्या होगा, आप लोगों का मेडिकल होगा, और इंस्टीट्यूट में ही आगे की आप लोगों की ट्रेनिंग होगी, वो ट्रेनिंग के बाद आप लोगों की फाइनल ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। तो ये प्रोसेस थी जो आप लोगों की ज्वाइनिंग तक होंगी। फिर से बता देता हूँ, एग्ज़ाम आपका हो चुका है, उसके बाद रिज़ल्ट जारी होगा, उसके बाद DV होगा, उसके बाद आप लोगों की इंस्टीट्यूट की काउंसलिंग होगी, फिर आपको इंस्टीट्यूट अलोकेट होगा, फिर इंस्टीट्यूट ही आपका मेडिकल करवाएगा। ये मेडिकल कहाँ होगा, इंस्टीट्यूट में होगा, और मेडिकल होने के बाद आप लोगों की ज्वाइनिंग, वो ट्रेनिंग होगी, और ट्रेनिंग के बाद आपकी ज्वाइनिंग होगी, लास्ट आपकी ज्वाइनिंग होगी। तो ये प्रोसेस होने वाली है आप लोगों की रिज़ल्ट के बाद। अभी कोई टायर टू नहीं होगा तो टायर टू के बारे में आप लोग खुद से बातें मत करिए, मैंने RTI लगा रखी है, जैसे RTI का रिप्लाई आएगा मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा कि टायर टू होगा या नहीं होगा। आई होप आप लोग को अपडेट पसंद आई होगी, और अगर हैशटैग चैनल की ओर से दी गई अपडेट पसंद आती है तो आप लोग वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन रखिए, जिससे अगर कोई भी ICAR टेक्नीशियन की अपडेट आएगी उसकी जानकारी आप लोगों को हैशटैग चैनल से सबसे पहले दे दी जाएगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।